हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं वंदना। तो फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो है वो है जैसो हम कैसे घर पे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसो के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं, मैंने पूरा डिटेल जानकारी उसमें दिया हुआ है। तो इसके लिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लिया एक्रेलिक कलर लिया है और मैंने फेविकोल लिया है, टेलकम पाउडर लिया है। तो टेलकम पाउडर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है जैसो रेडीमेड वाला जो कि हमने मार्केट से मंगाया हुआ है इसको। तो फ्रेंड्स, ये 300 रुपीज़ का 250 ml आया हुआ है, तो ये काफ़ी कॉस्टली है, तो इसलिए आज हम घर पर बनाएंगे। फ्रेंड्स, बिल्कुल सेम मतलब ऐसा ही जैसो बन जाता है जैसा कि रेडीमेड जो होता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बस रेशियो ध्यान में रखना है कि कितना हमको क्वांटिटी क्या क्या लेना है। तो फेविकोल सबसे पहले हम निकाल लेंगे यहाँ पर 2 चम्मच। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो जैसो होता है इसका यूज़ करते हैं हम प्राइमर के रूप में, कोई भी पेंटिंग, कोई भी पॉट या कोई भी यहाँ तक कि ग्लास का कोई आइटम अगर आप पेंट करने जा रहे हैं तो ये प्राइमर के लिए मतलब यूज कर सकते हैं उसके ऊपर। तो यहाँ पर 2 चम्मच मैंने ले लिया है यहाँ पर फेविकोल, और एक्रेलिक कलर का ये बड़ा बॉटल है तो इसमें थोड़ा सा ही कलर बचा हुआ है तो मैं वो भी ऐड कर लेती हूँ। तो ये 1 चम्मच के लगभग नहीं है, थोड़ा सा कम है, तो मैं छोटी वाली बॉटल में से भी थोड़ा सा और डाल लेती हूँ। तो 1 चम्मच हमको लेना है एक्रेलिक कलर और 2 चम्मच लेना है हमको फेविकोल। तो दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जो थर्ड हमारा आइटम है वो है टेलकम पाउडर। तो उसको हम और थोड़ा कम क्वांटिटी में लेंगे, मतलब कि 1/2 चम्मच हमको वो लेना है। तो 1/2 चम्मच हम इसमें मिक्स कर देते हैं और अच्छे से तीनों को मिलाएंगे। तो इसको फ्रेंड्स अच्छे से आपको मिलाना है बस, और बस यही ध्यान रखना है अच्छे से। जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसका टेक्सचर जो है वो बहुत अच्छा होगा, और थोड़ा सा मुझे ये गाढ़ा लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे। तो कुछ ड्रॉप्स डालेंगे पानी की और बस उसको फिर मिक्स करेंगे। तो पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, तो अब थोड़ा सा पानी में डाल देती हूँ यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी आप सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट करें। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वीडियोस, मेहंदी पेंटिंग से रिलेटेड वीडियोस डालती रहती हूँ। कुछ DIY वीडियोस भी मिल जाएंगे चैनल पे, और होम डेकोरेशन से रिलेटेड वीडियोस भी मिल जाएंगे मेरे चैनल पे। तो अच्छे से फ्रेंड्स मैंने मिक्स कर दिया है, थोड़ा सा पानी की नीड मुझे और लग रही है। तो बहुत ज़्यादा मतलब हमको थिक नहीं रखना है, और बहुत ज़्यादा आपको लिक्विडी फॉर्म भी नहीं रखनी है। तो बस हमारा ये मिक्स हो गया है, और अब मुझे इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक लग रही है। तो अब हम अप्लाई करके देख लेते हैं कि हमारा ये कैसा दिख रहा है। पहले तो हम इससे मतलब मैच करके देखते हैं जो हमारा रेडीमेड वाला जैसो है वैसा सेम टेक्सचर है या नहीं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम वैसा ही के वैसा ही है, बिल्कुल कलर भी वैसा ही है, और बिल्कुल देखने में जो उसकी कंसिस्टेंसी है वो भी वैसी ही है। तो वर्क देखते हैं अब ये कैसे करता है। तो यहाँ पर मैं एक कांच का मैं बॉटल लूँगी, उसके ऊपर मैं करने वाली हूँ यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, अच्छे से फिर से मैंने इसको थोड़ा सा रेस्ट के लिए रख दिया था, अब हम अप्लाई करेंगे दोबारा से मिक्स करके फिर इसको अप्लाई करेंगे। तो कांच की बॉटल मैंने ली हुई है और इसके ऊपर हम करेंगे। तो ये जैम बॉटल है, तो आप किसी भी पॉट पे या फिर कोई भी कैनवास आप यूज कर सकते हैं। तो उस पर देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा पहली मतलब पहला कोट ही बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल कांच की बॉटल पर, मतलब पहली बार जबकि इतना अच्छे से होता नहीं है, तो ये काफ़ी बढ़िया मतलब लग रहा है। और फ्रेंड्स, वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो फ्रेंड्स, ये देखिए पूरा बढ़िया से मैंने कर दिया है, और ये हमारा जो सरफेस तैयार हो गया है पेंटिंग के लिए। तो अब हम जब भी मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँगी तो फिर इसी के ऊपर पेंटिंग करके आपको दिखाऊँगी। तो जो बॉटल में एक फ्रेंड्स इसको स्टोर कर लें आप, तो क्वांटिटी आप कितना भी कम ज़्यादा कर सकते हो, आप ज़्यादा बनाकर रख लीजिए। तो बस आपको रेशियो यही ध्यान रखना है, 2 चम्मच आपको लेना है फेविकोल, 1 चम्मच लेना है आपको एक्रेलिक कलर, और 1/2 चम्मच आपको लेना है टेलकम पाउडर। तो अच्छे से मिक्स करके बस मैंने इसी बॉटल में स्टोर कर दिया, जो कि ये मेरी एक्रेलिक कलर की पेंट की बॉटल थी, ये खाली हो गई थी तो इसलिए। तो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।